रियासत मध्य प्रदेश में दरियाए नर्मदा में पानी पर चलती ज़ईफ खातून की वायरल वीडियो की हकीकत सामने आ गई है। मध्य प्रदेश के इलाके जबलपुर से एक ज़ईफ खातून की वीडियो वायरल हो गई थी, जिसे दरियाए नर्मदा में चलते हुए देखा जा सकता है। मुकामी लोगों ने इसे पानी पर चलने की करामत जानकर खातून को नर्मदा देवी का लकब दे दिया और पूजना शुरू कर दिया। मीडिया के मुताबिक मुकामी लोगों का कहना है कि पानी पर चलते हुए बूढ़ी औरत के कपड़े भी गीले नहीं होते। दूसरी जानिब पुलिस ने वीडियो में नजर आने वाली बूढ़ी खातून की शिनाख्त ज्योति राधोंशी के नाम से करते हुए कहा कि वो 10 माह कबल अपना घर छोड़कर निकल आई थी, जबकि उनके अहलखाने की गुमशुदगी की दरख्वास्त दायर कर दी गई थी। मीडिया से बातचीत करते हुए खातून ने करामतों की तमाम अफवाहों को मुस्तरद करते हुए बताया कि मुझ पर घर की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, इसलिए घर में किसी को बताए बगैर ही मैं यात्रा के लिए निकल आई थी। उन्होंने बताया कि मुझ में कोई करामत नहीं, ना ही मैं पानी के ऊपर चल रही थी। दरअसल अपनी यात्रा पर जाते हुए मैंने ऐसे हिस्से से दरिया पार करने की कोशिश की थी जहां पानी घुटनों से नीचे था। मेरे कपड़े भी इसलिए सूखे हुए थे कि दरिया से निकलने के बाद तकरीबन 20 मिनट तक मैं पूजा करती रही थी। मुकामी पुलिस के मुताबिक खातून के दरिया में दाखिल होने के बाद लोगों का एक बहुत बड़ा हुजूम दरिया के किनारों पर जमा हो गया था और उन्होंने कई करामतें खातून से जोड़ना कर दी थी।